वालेकुम ब्यूटी में खुश आमदीद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर से होंगे। और मैं मतलब कि हेयर पैक बना रही थी तो सोचा आप लोगों से शेयरिंग करूँ, और मैं अपने लिए बना रही थी सोचा आप सबसे भी शेयर कर लूँ। मैंने सोचा हेयर पैक बना ही रही हूँ तो फिर अपने फ्रेंड से शेयर कर लेती हूँ हेयर पैक। तो हेयर पैक बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की नीड होगी। एग है, लेमन है, योगर्ट्स है, कोकोनट ऑयल है, मोरिंगा पाउडर है। ठीक है तो फ्रेंड्स चले हम अपना डेमो तैयार करते हैं, डेमो की तरफ बढ़ते हैं। डेमो तैयार करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बआसानी मेरी हर वीडियो न्यू आप देख सकें और फ़ायदा उठा सकें। व्यूअर्स हमें 2 टीस्पून योगर्ट्स की यूज़ करनी है। यूज़ करना है को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम बारी बारी, हम एक एक इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे पहले हम अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स हो रहा है, फिर हम इनमें कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे, मोरिंगा पाउडर ऐड करेंगे। यूज़ कर रही हूँ, एक और मैं यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे ऑयल की इतनी नीड नहीं है, मेरे बाल इतने ड्राई नहीं है। ये जिनके ज़्यादा बाल ड्राई होते हैं, बॉम हो जाते हैं, और उनके लिए वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे इतना ज़रूरत नहीं है ना। मेरे ये पैक मैं अपने लिए तैयार कर रही हूँ तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड से भी शेयर कर लेती हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो गया, फिर मोरिंगा पाउडर का ऐड करना है। वीवर समय अच्छे से मिलाना है इसे। ठीक है, देखिए आप कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। बस लेमन यूज़ करूँगी, लेमन की मैं सिर्फ 2 ड्रॉप्स यूज़ करूँगी क्योंकि लेमन ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, ज़्यादा सही नहीं है हेयर्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं चाहती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, जिस तरीके से मैं करती हूँ, मैं उस तरीके से आप लोगों को भी बताऊँ ना, अच्छी रेसिपी के साथ। अच्छी रेसिपी ऐसा नहीं बस मैं आप लोगों के, आप खुद में 2 ड्रॉप डाल रही हूँ और आपको कहूँ पूरा का पूरा लेमन यूज़ कर लो, ऐसा नहीं होता। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेमेडी पसंद आएगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी बस ये हमारी रेमेडी देखो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसे हम अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे। हेयर पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अच्छे से ब्रश से अपने बालों को हेयर्स में अपने कॉम कीजिएगा, फिर उसके बाद इसे अप्लाई कीजिएगा। फिर शॉपर है वो उससे सारा मतलब कवर कर लेना ताकि अच्छे तरीके से जो जज हो जाए। फिर 45 मिनट के बाद ना इसे अपने हेयर को वॉश कीजिएगा। हमें ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।